प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या कहता है कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, मतलब ये कोई डिवाइस है। डिवाइस जनरली हमारे सिलेबस में क्या है, फोटोडायोड है, एलईडी है, सोलर सेल है, तो ये तीन चार पढ़ते हैं हम लोग। तो ये तीन चार डिवाइसेस में से ये किसका कर्व है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो विच आर द फॉलोइंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल वेयर ए इज द ओपन सर्किट। देखो ए क्या ओपन सर्किट है, क्या ओपन सर्किट क्या होता है। ए पर देखोगे यहाँ पे अगर एक आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आई है और ये वोल्टेज है और एक ऐसा ग्राफ है, तो इस पॉइंट पर देख रहे हो करंट की वैल्यू जीरो है लेकिन वोल्टेज क्या है, कुछ मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पर देख रहे हो वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो है लेकिन करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर करंट मैक्सिमम है, यहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो ये क्या होता है, ओपन सर्किट इसको बोलते हैं। तो ये ओपन सर्किट है और यहाँ पर ये जो है, जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और वोल्टेज ये जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, ये जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होती है और वोल्टेज ये यहाँ पे, और जो ओपन सर्किट होती है उसमें करंट जीरो फ्लो होती है। तो अगर आपको ये जो ग्राफ है वो याद नहीं है तो आप सिर्फ ओपन और क्लोज सर्किट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए जो है रिप्रेजेंट ओपन सर्किट और बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट। ए ओपन सर्किट है और बी, ए ओपन सर्किट है और बी शॉर्ट सर्किट है, बात तो सही है ये वाला, ठीक है। और ए एंड बी बोथ रिप्रेजेंट ओपन सर्किट, ये बात बिल्कुल गलत है। फोटो ए एंड बी, ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट एंड ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट, ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट, ये तो दोनों ओपन सर्किट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट एंड बी शॉर्ट सर्किट, तो ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट और बी शॉर्ट सर्किट, मतलब या तो डी ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा 50-50 आ गया, तो आपको एक्चुअली में कर्व पता होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है फोटो डायोड जो इसमें यूज हुआ। तो फोटो डायोड जो होता है, क्या होता है फोटो डायोड भाई, फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है और इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे आता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। फोटो डायोड पढ़े होगे, ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता है और नोट काउंटिंग में यूज होता है, बहुत सारी जगह मतलब सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। और एक होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है और इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ऐसा आता है अलग अलग वोल्टेज पे, ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक बराबर है। और एक पढ़े थे हम लोग सोलर सेल, तो सोलर सेल में जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे आता है, ये जो होती है वो मैक्सिमम वोल्टेज होती है और ये मिनिमम वोल्टेज होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम करंट होती है, मिनिमम करंट होती है। तो हमें जो सोलर सेल में इसका कुछ ना कुछ एवरेज मिल जाता है, ये एवरेज, ये बीच का मिल जाता है। तो ये जो है वो सोलर सेल है, सोलर सेल जो कि हमारा फ्यूचर है एनर्जी का। सोलर सेल ये रिवर्स बायस में ही काम करता है, रिवर्स बायस में इसको हम करेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस या आई वी कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ से देख के बता सकते हो कि कौन सा इसमें से है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देख लेते हैं इसमें से कौन सा, ये एलईडी तो है नहीं, एलईडी का तो अलग है, तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है।